foodies, welcome back to another video. Please subscribe my channel from Tuba's Kitchen for yummy and delicious recipes. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर कोरमा की रेसिपी. ये बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी है. इसके लिए मैं लूंगी 300 ग्राम्स पनीर. इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है. इसे हम शैलो फ्राई कर लेंगे. 2 से 3 मिनट तक के हमें इसे फ्लिप करके शैलो फ्राई करना है. ये देखिए, ये जब स्लाइटली गोल्डन होंगे हम इसे रिमूव कर लेंगे. अभी यहाँ पे मैं एक सॉस पैन लूंगी, उसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून बटर, 2 टेबलस्पून ऑयल. इसमें ऐड कर ले 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 2 सिनेमन स्टिक्स, 4 ग्रीन कार्डिमम एंड 4 क्लव्स. इसे सॉटे कर लेंगे 2 to 3 मिनट्स के लिए. अभी हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के ऑनियंस का पेस्ट. इसे मिक्स करके हम कुक करेंगे जब तक कि ये लाइट पिंक हो जाता है. हमें इसे ज्यादा देर तक के नहीं कुक करना है. अभी इसमें ऐड कर ले 1/2 कप दही. इसे मिक्स कर ले. हमें इसे फ्लेम को लो करके दही को मिक्स करना है. ध्यान रहे हमेशा आप जब भी दही ऐड करें फ्लेम को लो रखें. अभी इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला. इसे अच्छे से मिक्स कर लें. अभी इसमें ऐड करें 1 टीस्पून कसूरी मेथी. कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत एनहांस होता है. इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे. ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क. यहाँ मैंने एलमंड्स, कैशू और ग्रीन चिली को ग्राइंड करके सबका पेस्ट बना लिया है. 15 एलमंड्स, 15 कैशूज लिए थे मैंने और 4 ग्रीन चिलीज. आप आपके टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. इसे मिक्स कर लेंगे. अभी हम इसमें ऐड करेंगे फ्राइड पनीर. कवर कर ले और 7 to 8 मिनट्स के लिए हम इसे कुक करेंगे. 7 to 8 मिनट्स के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप क्रीम, विच इज इक्वल टू 2 टेबलस्पून. इसे अच्छे से मिक्स कर ले और लो फ्लेम पर 15 मिनट्स के लिए हम इसे कुक करेंगे जब तक कि इसका ऑयल साइड से सेपरेट हो जाता है. ये देखिए, 15 मिनट्स के बाद यहाँ हमें परफेक्ट टेक्सचर चाहिए ऐसा कोरमे के लिए. हमारा डिलीशियस पनीर कोरमा रेडी है. आप इसे नान या ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं. ये बहुत ही यम्मी लगता है. आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.